एक जंगल में तीन चिड़े अपनी माँ के साथ रहते थे। तीनों मिलजुल के रहते थे। एक का नाम बंटी, दूसरे का मोंटी और तीसरे का नाम छोटू था। तीनों भाई बड़े प्यार से अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम तीनों ही मेरा सहारा हो, पर मैं चाहती हूँ तुम तीनों दुनिया के बारे में भी जानो। इसलिए मेरे प्यारे बेटो, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों चिड़िया के बच्चे अपने घर से निकले और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बताने लगे। पहले भाई ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे भाई को ये बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे भाई को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे भाई ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे चिड़े ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे भाई ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। हम तीनों किसी भी परेशानी से मिलके बाहर आ सकते हैं। ये बात दोनों ही भाई को अच्छी लगी। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले चिड़े के मन में विचार आया कि उसे मिट्टी का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना मिट्टी का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे चिड़े ने सूखी लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा लकड़ी वाला घर मिट्टी के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी लकड़ी जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा। दूसरी तरफ तीसरे चिड़े ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने खुद से कहा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे चिड़े को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे चिड़े को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों भाइयों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफी की वजह से कर रहा है। वो दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उसे उकसाते थे, लेकिन तीसरा चिड़ा कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों भाई बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली बाज की नजर पड़ी। तीनों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वो तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वो पहले चिड़े के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला चिड़ा सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वो उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाज बोला, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। बाज की डरावनी आवाज सुनकर चिड़ा समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली शिकारी खड़ा है। वो डर गया और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद बाज को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हे चिड़े, मैं एक बार में तेरा मिट्टी का घर तोड़ दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार वार किया और मिट्टी का घर टूट गया। बेचारा पहला चिड़ा वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे चिड़े के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे चिड़े ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने भाई को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा चिड़ा हैरान हो गया। इतने में बाज उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बाज फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर पहला चिड़ा पहचान गया कि दरवाजे पर बाज ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाजा मत खोलना, ये एक जंगली खूनखार बाज है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे चिड़े ने दरवाजा नहीं खोला तो बाज फिर से गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया,
चिड़िया के नन्हे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस लकड़ी से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही बाज ने एक ही झटके में लकड़ी से बना दूसरे चिड़े का घर तोड़ दिया। अब दोनों भाई वहाँ से तेजी से भागे और तीसरे भाई के घर पहुँचकर उसको सारी बात बता दी। ये सब सुनकर तीसरे भाई ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वो जंगली बाज इसे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वे दोनों चिड़े बाज से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहाँ पर बाज आ गया। वो तीसरे चिड़े के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे चिड़े ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर बाज चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। बाज ने तीसरे चिड़े के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। बार बार मारने पर भी वो ईंट का बना घर नहीं टूटा। उस जंगली बाज के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे चिड़े का ईंट से बना घर नहीं टूटा। लेकिन फिर भी बाज ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो घर के अंदर खिड़की के रास्ते से घुसेगा। खिड़की के बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा भाई और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे चिड़े को एक तरकीब सूझी। उसने खिड़की के पास आग जला दी। बाज ने जैसे ही खिड़की के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वो सीधे उस आग में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे चिड़े की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों भाइयों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे चिड़े को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे चिड़े ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों भाई खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे।